रहिए UBN0@guna से योगेश लोधा की रिपोर्ट। अलौआ धाम का इतिहास बताया कि आला उदल यहाँ जंगल में हनुमान जी की पूजन अर्चन किया करते थे। लगभग 5 वर्षों से बंसी जैन के द्वारा नवरात्रि की अष्टमी को अन्नकूट किया जाता है। हनुमान जयंती पर हिंदू चैत्र की गुड़ी परमा को रामायण पाठ कराया। आज समापन के दिन भंडारा कराया गया। देखते रहिए UBN0@ ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। लगुआ पहाड़ पर कितने वर्षों से हैं? हम 2014 में इस पर आए। तो यहाँ क्या था पहले आप जब आए थे? यहाँ जंगल था और हनुमान जी का मंदिर था। इसके बाद में क्या सुधार हुआ यहाँ पे भक्तों का आना जाना? हाँ, हमें आने पर भक्तों लोग का आना जाना शुरू हुआ। तो कितने भक्त आने लगे? बहुत सा भक्त था। और यहाँ पे भंडारे भी होते हैं टाइम टाइम पे? हाँ, भंडारा भी शुरू हो गया। भंडारे कौन कराते हैं? भंडारे सबसे बड़ा भंडारा तो बंसी साल में एक बार कराना शुरू किया थे। उसमें हम एक बार शामिल थे पहली बार में। दो बार इधर कराए हैं तो उसमें हम नहीं थे। अच्छा, तो वैसे जी आज का भंडारा किसने कराया था? अब आज का तो हम नहीं बता सकते हैं, हम तो अभी बंसी को ही देख रहे हैं। हाँ, बंसी को ही देख रहे हैं कल्हे से, लेकिन अब ये तो पूरी पते हमें नहीं बता आपका सकते। नाम पता बता दें आप? मेरा नाम राम बाबू दास है। कहाँ रहते थे पहले इससे पहले? हम अपने घर पर ही रहते थे। जब साधु में निकले तो हमने ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश के बाद यहाँ हम आए हैं। किस जगह पर खड़े हैं अपन? अलौआ पहाड़ है ये। आप कितने दिन से यहाँ पे आना जाना है? भगत 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। तो अभी क्या कार्यक्रम करा रहे हैं आप यहाँ पर? अभी ये कल रामायण जी का पाठ कराया हुआ था जी 24 घंटे का। आज इसका समापन करके भंडारा, आज भंडारा किया। भंडारे में कितने लोग आए? 150-200 लोगों का आना जाना भंडारे में। छोटा ही कार्यक्रम था आज का, ये छोटा ही कार्यक्रम। अब आगामी क्या है कार्यक्रम आप? आगामी जैसा बाबा का मार्गदर्शन होगा वैसे अपन कार्यक्रम होंगे। कुछ निर्धारित तो रहता होगा ना कि साल में अपन एक बार अन्नकूट कराते हैं, 5-7 हज़ार लोग आते हैं। अन्नकूट कब होता है अपने? अन्नकूट अपन करते हैं अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन जी। अभी ये अष्टमी को वो दीपावली के बाद जो देवोत्थान 11 होती है ना, उस समय करते हैं। और वैसे करने को तो अपन क्या है, हनुमान जयंती पे भी करते हैं, शकनाथ पे भी करते हैं। इस बार भी हनुमान जयंती भंडारे का आयोजन है। पहले कहाँ है? मैं गुना में रहता हूँ। किस जगह? चौधरी मोहल्ला। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली यहाँ की? प्रेरणा क्या है, यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो ऐसे आ गए एक बार, ये दर्शन का पता चला यहाँ का बाबा।